नमस्कार मित्रों मित्रों जब भी 14 सितंबर नज़दीक आती है तब निश्चित रूप से हिंदी को लेकर हिंदी दिवस को लेकर बहुत सारी चर्चाएं आरंभ हो जाती हैं लेकिन जो एक बड़े दुखद अध्याय ये है इसमें जुड़ा हुआ कि हम इस बात को छोड़ दीजिए कि हिंदू हिंदी को जी हमने तब पता नहीं कितने वर्ष पहले सेठ गोविंदास और सारे इन चीज़ों का जिक्र बार बार करने से कोई लाभ नहीं है कुछ लोग बीच में ये भी कहने लगे कि हर साल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी का भी श्राद्ध बनाते हैं और श्राधों के दिन हैं तो ये भी एक बड़ी विचित्र बात है ऐसी बातों को ऐसी बातों से इस भाषा का इस महान भाषा की संस्कृति का या भाषा के सौंदर्य का ए, कोई भी भला नहीं हो रहा मुख्य जो बिंदु है विचारणीय वो ये है कि जो हिंदी की समस्याएं हैं उन पर तो विचार कर लिया जाना चाहिए और उन पर विचार अभी बकाया है अभी विचार विमर्श और अंतिम निष्कर्ष होना शेष है आ, मैं कुछ एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ आप भी उसमें भागीदारी कीजिएगा आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं चर्चा में और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझसे आज एक मित्र वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे मित्र तो उन्होंने एक बात पूछी यार ये बताओ अब हिंदी की उस उच्चारण की समस्या का क्या हो अब तक हम लोग एक तर्क देते आए हैं एक दलील हिंदी के पक्ष में देते आए हैं कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जो जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है लेकिन उसके विपरीत बात ये है कि एक भी शब्द कोई भी शब्द एक किसी को ले लीजिए शब्द को उस शब्द का उच्चारण बिहारी हिंदी अलग से करेगी पंजाबी हिंदी बिल्कुल अलग से करेगी राजस्थान वाली उसका उच्चारण बिल्कुल अलग से करेंगे मैथिली लोग बिल्कुल उच्चारण अलग से करेंगे काशी का जो नागरी प्रचारणी सभा का जो केंद्र बिंदु है वहाँ इसका उच्चारण अलग होगा उपभाषाएं हो सकती हैं ब्रज है, है अवधि है उनका अपना मैथिली है उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है लेकिन जहाँ तक हिंदी की बात है हिंदी में समस्या सबसे बड़ी ये है कि उसके उच्चारण में एक रूपता कैसे आए अभी तक हम ये निर्धारित नहीं कर पाए कि अगर कहीं हमने स्त्री को स्त्री बोला कई जगह पर कई जगह स्त्री उसको बोला तो ये स्त्री अशुद्ध है कितना अशुद्ध है और इस, इस पर कोई पाबंदी प्रतिबंध लगाया जा सकता है तो ऐसे ढेरों शब्द हैं जिनके बारे में जो स्थानीय परिवेश है स्थानीय संस्कृति लोकल परिवेश लोक संस्कृति ये इतनी हावी हो जाती हैं कि मूल स्वरूप जो है वो कई बार डर लगता है कि ये विकृत ना हो जाए बदल ना जाए कहीं अब प्रमाणिकता का हमारे पास कोई मापदंड तो है नहीं कोई डंडा लेके अध्यापक महोदय तो बैठे नहीं हैं जो इस बात से रोकेंगे लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इस बात का भी कोई निराकरण होना चाहिए और जिस तर्क को लेकर हम आज तक हिंदी अपनी हिंदी का गुणगान करते रहे हैं आ, वो जो तर्क है कही न कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है कि हिंदी के भी इसी देश में हमारे अपने ही देश में हिंदी वाली बेल्ट में हिंदी वाली पट्टी में कितने अलग अलग रूप हैं जो एक दूसरे को भी कई बार समझ में नहीं आते पंजाब का हिंदी भाषी जो है वो कई बार बिहार की हिंदी बिहार की हिंदी भाषा की बात पूरी तरह से समझ ही नहीं पाता तो इसका कोई ना कोई हमें उदाहरण कोई, कोई ना कोई इसका समाधान तो निकालना पड़ेगा वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं अब गूगल द्वारा दी गई जो सूचनाएं गूगल का हिंदी संस्करण भी आ चुका है लेकिन अभी भी हिंदी संस्करण में बहुत सारी चीज़ों का समावेश होना वो शेष है अभी भी हमें जल्दबाजी में यदि इन्फॉर्मेशन कोई सोचना चाहिए तो हमें तत्काल गूगल का ही सहारा लेना पड़ता है मुझे कई बार हंसी की मुद्रा में डॉक्टर गूगल भी कह सकते हैं कि डॉक्टर गूगल के पास हर चीज़ की दवा है हर अज्ञानता की दवा है और डॉक्टर गूगल का सहारा लेकर हम किसी भी निष्कर्ष पर सही प्रामाणिक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं लेकिन हिंदी में गूगल का पूरी तरह से समावेश ना हो पाना गूगल में पूरी जानकारियाँ फीड ना हो पाना समावेशित ना हो पाना कई बार हमारे लिए आगे विकास के रास्ते थोड़े से बाधित करता है हमें समस्या पर सोचना ज़रूर चाहिए समस्या है लेकिन इस पर गंभीरता से विचार की गुंजाइश है संभावना है और हमें इस संभावना को देखना चाहिए और हमें एक बात जो सुखद है वो ये नहीं भूलनी चाहिए कि इंटरनेट जो है ये हज़ारों भाषाओं की बाधा तोड़ने की ओर बढ़ रहा है बिल्कुल उसका नया स्वरूप सामने आ रहा है जिसमें कोई भी भाषा ज्ञान के रास्ते में सूचना के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती तो क्या इतनी व्यापकता इस व्यापकता का स्वरूप इससे हम कुछ सीख नहीं सकते देखिए हमने एक बात तो मान के चली कि हमने बहुत कुछ सीखा है बहुत कुछ हमने अग्रसर भी हुए हैं बहुत सारी बातों को लेकर आगे बढ़े भी हैं लेकिन अभी भी आधा अधूरा और अध कचरापन हमारी भाषा संबंधी वैचारिकता में बराबर बना हुआ है पॉजिटिव सकारात्मक बात यह है कि यूनिफोड यूनिकोड जो फ़ॉन्ट है इससे हिंदी के प्रसार में बहुत ज़्यादा सशक्तता मिली है इस फ़ॉन्ट के आने से ये भी हुआ है कि हिंदी लिखने वाले लोगों को बहुत सुविधाएं हासिल हुई हैं बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं और इससे उनकी जो अभिव्यक्ति की जो एक जो सामर्थ्य है वो बड़ी है वो तो अपनी बात कह सकते हैं और बात उस ढंग से कह सकते हैं जिसके बारे में उर्दू के एक शायर की वो बड़ी पुरानी पंक्ति है कि अगर अपना कहा हम आप ही समझे तो क्या समझे अगर अपना कहा हम आप ही समझे तो क्या समझे मज़ा तो तब है जबकि एक बोले दूसरा समझे तो ये जो संप्रेष नियता की समस्या है इस पर तो हमने काफ़ी हद तक एक सीमा तक अपने काबू भी पा लिया इस पर हम नियंत्रण भी धीरे धीरे पाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और काफ़ी हद तक हमें सफलता भी मिली है और यही चीज़ यूनिकोड फॉन्ट से भी हमें हासिल हुई लेकिन इसके बावजूद जहाँ तक वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का सवाल है वहाँ अभी तक हम वहीं खड़े हैं जहाँ आज से कई दशक पहले खड़े थे केंद्र सरकार ने इस दिशा में ठोस काम के लिए एक वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग बनाया था उस वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग कमीशन उसने लगभग हर विषय पर हिंदी के शब्दकोश तैयार किए लेकिन कुछ एक शब्दकोश तो ऐसे बने कि जो मजाक का विषय बन गए जैसे अब रेल को लोहपत गामिनी कह देना तो ये तो मजाक का विषय बन गया लेकिन धीरे धीरे इस शब्द का तो फिर पलायन हो गया इसको स्वीकार नहीं किया गया और उसके बाद धीरे धीरे नए शब्दों का भी समावेश हुआ लेकिन अभी भी बहुत सारे वैज्ञानिक शब्द ऐसे हैं तकनीकी शब्द ऐसे हैं जिनका कोई विकल्प हमारे पास नहीं है आज भी अगर हमें कोई भूगोल के बारे में कोई अगर शब्दों का चयन करना हो भूगोल के बारे में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने भी एक शब्दकोश तैयार किया हुआ है लेकिन वह शब्दकोश नितांत अपरि नितांत रूप से लगता है कि ये अव्यवहारिक सा है इसका प्रयोग जो है वो सामान्य व्यक्ति को ज्ञान पहुंचाने के लिए सूचना पहुंचाने के लिए हो ही नहीं सकता तो मित्रों ऐसी ढेरों समस्याएँ हैं जिनसे अभी हिंदी को जूझना है और ये जूझना जो है ये सार्थक दिशा की ओर भी हो सकता है यदि हम ये मनोमालिन्य भाषाई विवाद जो है छोड़ दें ये तभी संभव हो सकता है जब हम भाषाई मनोमालिन्य और विवाद जो हैं उनको छोड़ दें किसी भी भाषा क्षेत्रीय भाषा को ये महसूस ना होने दें कि हिंदी का विकास हुआ तो उस पर हावी हो जाएगी आज वस्तुस्थिति ये है कि ये जितने विवाद हिंदी की तकनीकी शब्दावली के बारे में उतना तमिल में विवाद नहीं है उतना विवाद अपेक्षाकृत पंजाबी जैसी सीमित क्षेत्रीय भाषा में भी काफ़ी हद तक समाधान उनका ढूंढ लिया गया है वहाँ भी इतने विवाद नहीं हैं लेकिन हिंदी में आ, क्योंकि व्यापक इसका क्षेत्र है हो सकता है कि इसलिए जहाँ विद्वान ज़्यादा होंगे वहाँ मतभेद भी ज़्यादा होंगे वहाँ जो सोचने का ढंग भी अलग अलग हो जाएगा तो इन सब के मद्देनज़र इन सब के दृष्टिगत हमें कुछ ना कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे जिसमें हमारी इस भाषा को जो देश का गौरव है और देश की सिर्फ गौरव नहीं है देश की आवश्यकता भी है ज़रूरत भी है इस भाषा को सही उसका सम्मान और सही स्थान मिल पाए धन्यवाद